वेलकम बैक टू पृथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सर शिकार कि ये कैसे हैं आप, अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूर से ना मुझे अपना आप ही अच्छे से नहीं दिख रहा था, मुझे लगा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो शाम का वक्त है और बस पृथ्वी को दो चार छुट्टियां हो गई थी उसके स्कूल से, क्योंकि उनका जो है वो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उनको दो तीन ही छुट्टियां हुई हैं शायद, अगर सेम जयंती सैटरडे संडे सब मिक्स हो गया साथ में, दैट्स व्हाई। तो बस वीकेंड पे होता है उसको, मुझे मूवी दिखा दो मूवी दिखा दो। एक्चुअली मुझे पहले लगता था कि वो पॉपकॉर्न खाने के लिए ही मूवी देखती है, क्योंकि जैसे ही मूवीज एंटर होते हैं ना वो कहती है मेरे को पॉपकॉर्न ले दो और कोल्ड ड्रिंक ले दो, क्योंकि वैसे उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई नहीं जाती है, दैट्स व्हाई। तो लेकिन लास्ट टाइम मैंने बोला कि आपको घर पे पॉपकॉर्न खिला देंगे भाई, मूवी रहने दो। तो शी सेड कि नहीं नहीं मुझे मूवी भी देखनी है। मैंने बोला फिर ना स्टोरी भी लर्न करके आना, तो वो स्टोरी जो है वो सारा सुन के आई। तो आज हम जा रहे हैं गिप्पी गरेवाल की मूवी देखने, क्रिमिनल। मैं उसको हिंदी मूवीज नहीं दिखाती हूँ, कोई भी हिंदी मूवी कभी भी नहीं दिखाती, ना ही खुद देखती हूँ, क्योंकि आजकल तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं मूवीज में। वी फ्रैंक मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। पंजाबी मूवीज भी थोड़ी लिमिटेड होती है। क्रिमिनल मैं उसे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको सीखने को भी मिलेंगी, है ना। तो जा रहे हैं, बस शाम का टाइम है, 7:45 बजे का शो है, तो बस बर्तन बर्तन सब हो गए हैं। सब्जी मैंने थोड़ी सी बना ली है, तो रही की सात चपातियां बना ली हैं क्योंकि हम बाहर खाना नहीं खाते हैं। पृथ्वी का तो ऑलमोस्ट टमी फिल हो ही जाएगा। और देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मैंने होम रेमेडी की है जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, बहुत ही प्यारी लग रही है। लेकिन आज ना मेरी पिंक लिपस्टिक टूट गई, ये लिपस्टिक लगाई है, अनइवन जा रहा है सब कुछ, नेल पेंट कोई और है कुछ और है ये वो। बाल मैंने धोए हैं क्योंकि मुझे आपको मैंने शेयर किया था ना 3-4 दिन से बीमार रह रही हूँ, बीपी लो है, तो मैंने मालिश कराई थी, बहुत सारा तेल था हेयर्स में और चंपू सी लग रही थी, तो मैंने सोचा हेयर वॉश कर लेती हूँ, वैसे कौन देखने वाला। और जिस सूट आपके साथ शेयर करूँ, मुझे बहुत कंप्लेंट आती है कि आप ऐसे ही सज धज के घूम के आ जाते हो, कभी नहीं शेयर करते आपने क्या पहना कहाँ घूम के आए। तो पता नहीं मैं फोन निकाल के ना शूट करने में हेसिटेट सी हो जाती हूँ, दैट्स व्हाई। और जहां जाती हूँ वहां की हो जाती हूँ, दिमाग से निकल ही जाता है थोड़ा बहुत शूट कर लूँ। ड्रेसेस इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि आजकल हर कोई समझदार है, हर कोई खरीद रहा है, हर किसी का अपना एक फैशन स्टोर होता है, फैशन सेंस होती है। तो ये एक कॉटन की कुर्ती है जो पंजाब में आने वाले टाइम में तो नहीं डाली जाएगी क्योंकि ऑफकोर्स सर्दियां आने वाली है। ये अनारकली है और इसके साथ व्हाइट प्लाजो है, अगर पिक्चर लूंगी तो यहाँ पे कहीं लगा दूंगी। ये 1400-1500 के करीब आई थी, इसके साथ दुपट्टा भी है। और मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, आने जाने जो बाहर कपड़े पहनती हूँ कभी भी ऑनलाइन नहीं लेती। ऑनलाइन मैं लहंगा साड़ी ऐसी चीजें लेती हूँ या घर वियर करने वाली कुर्ती सी ऑनलाइन लेती हूँ। तो ये मैं लेती हूँ सारे कपड़े। जो लास्ट सूट आपको मस्टर्ड कलर का बहुत पसंद आया था सबको, जो हम गुरुद्वारा साहिब डाल के गए थे, जिसकी पिक्चर होगी तो मैं यहाँ लगाऊंगी, ये आपको बहुत पसंद आया था, आपने बहुत पूछा। तो ये मैंने, हमारे पास सिटी है हरियाणा, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा सिटी है, मैं हर कपड़ा वहीं से लेती हूँ, मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है। कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी शॉपिंग करके आऊं, आई लव टू बाय सूट्स। मुझे वेस्टर्न इतना पसंद नहीं है, इंडियन वियर पसंद है, और मैं सूट हमेशा एक ही जगह से खरीदती हूँ। बहुत लंबी चिटचैट चले गई है ना आज, बस ऐसा ही है। सो फ्रेंड्स, हम निकल गए थे सैटरडे शाम को, ये हमने मूवी देखी थी तकरीबन 7 बजे, क्रिमिनल। बहुत ही अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। लेकिन आते टाइम बहुत बारिश हुई और नेक्स्ट डे संडे भी बहुत ज़्यादा बारिश रही। आने के बाद खाना मैं बना के गई थी, तो मिस्टर बहल ने और पृथ्वी ने खाना खा लिया, लेकिन मैंने पॉपकॉर्न खाए थे तो रात को मेरा इतना हैवी चल नहीं पाता, तो मैंने जस्ट अपनी आइसक्रीम ली। बर्तन बर्तन सारे धो लिए थे और उसके बाद अब मुझे किचन साफ़ करनी थी। होता है ना किचन के कुछ कॉर्नर्स ऐसे होते हैं कि डेली उनकी तरफ ध्यान मैं देती हूँ जब मिस्टर बहल यहाँ पे नहीं होते, लेकिन मिस्टर बहल जब यहाँ पे होते हैं फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर मैं इधर उधर सैर सपाटा ज़्यादा करती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं घर से निकलती नहीं हूँ, तो मेरा वो टाइम बचा रहता है, तो फिर मैं घर की सफाई की तरफ ध्यान देती हूँ। इस वजह से ना मुझे सफाई का कीड़ा बहुत बुरा लग गया है। और जब मिस्टर बहल आए होते हैं, फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि टाइम बिल्कुल नहीं होता, दूसरी चीज़ ये होती है कि टाइम वो भी तो वो सफाई बिल्कुल नहीं करने देते, वो बोलते कि तू पागल हो जाना है, सब कुछ रगड़ रगड़ के तूने ख़राब कर देना। तो अब दोनों बाप बेटी तो मस्त थे, आपस में मस्ती वस्ती कर रहे थे क्योंकि सुबह संडे था, तो फिर पृथ्वी को भी मुझे सुलाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि पृथ्वी के पापा
कुछ दिनों के लिए रहते हैं, तो मुझे ये होता है कि अपने पापा के साथ वो टाइम अच्छे से स्पेंड करे। तो मैं अंडर सिंक एरिया जो है वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये वाला एरिया अगर हम तीसरे चौथे दिन आराम से साफ करते रहें, डेली कर सकते हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो किचन में कॉकरोच कीड़ा वगैरह आने की कोई संभावना नहीं होती, कोई स्मेल वगैरह का इशू बिल्कुल नहीं होता। डस्टबिन तो मैं रात को क्लियर करके ही सोती हूँ, तो ये डस्टबिन का वो पोर्शन है जो हमेशा फिक्स रहता है। जिनके घर में ये वाली किचन होगी मॉडलर, उनको पता होगा। तो ये मैंने खोला, इसको नट वगैरह लगे होते हैं, ये परमानेंट फिक्स होता है। तो आज मैंने इसको खोल के इसकी अच्छे से सफाई की, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब कचरा जो है वो मिस्टर बहल भी फेंकते हैं। तो अपने हाथ से हम जब चीज़ फेंकते हैं तो लेडीज़ तो बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन जेंट्स को उस तरह का पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने चाय ही बनाई, तो वो चाय की पत्ती अगर डस्टबिन में फेंक रही है ना, तो उसके छींटे इधर उधर जाएंगे, और 50% पत्ती जो है वो डस्टबिन में जाएगी, 50% पत्ती जो है वो इधर उधर जाएगी। तो जैसे यहाँ पे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो मैंने सोचा बाप बेटी दोनों बिजी हैं, तो चलो ये सारा साफ़ कर लूँगी। और इसके लिए मैंने लाइजोल जो है वो भी रखा हुआ है, अपना देसी क्लीनर भी रखा हुआ है, और CIF के क्लीनर बहुत अच्छे आते हैं, मैं डेली यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे, क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है। तो बस सोचा कि वो सारा जो है वो साफ़ कर लूँ, सुखा लूँ, और उसके बाद मोर्टिन वगैरह की स्प्रे वगैरह जो है वो डाल दूंगी रात को। थोड़ा सा फिर एक बार कपड़ा लगाऊंगी, अब मैं थक गई हूँ, मैं बैठूंगी। फिल्म बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने क्रिमिनल मूवी देखी, लेकिन मैं थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, शायद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह से मुझे डर बहुत लग रहा था, और मैंने मिस्टर बहल का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था ऐसे ऐसे सीन से। लेकिन पंजाबी मूवी में मैंने ऐसी वाली मूवी पहली बार देखी है, मैंने इतनी मूवीज नहीं देखी है, लेकिन इस मंथ हमने बहुत 3 मूवीज देखी है, मतलब हर वीक जो नई रिलीज होती है वो देखी है। मैंने कभी इतनी मूवी नहीं देखती, पहले होता था कि मैं सलमान खान की मूवीज देखती थी, बट अब तो देखी हैं। तो चलिए मिलती हूँ सुबह, ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी, पता नहीं एंड करूंगी, देखते हैं कैसे बनता है। सत श्री अकाल, गुड नाइट। ये गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग है संडे की, संडे को बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, और हमारे सामने वो वाले लोग आके रह रहे थे जो झुग्गियों में रहते हैं ना, कभी आते हैं वो सारे, और रात को हम सो नहीं पाए क्योंकि इतने सारे लोग थे यहाँ पे। बारिश की वजह से उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने शोर भी बहुत मचाया हुआ था। लेकिन वो कह रहे थे ना, कुछ लोग तो पकौड़े बना के बारिश इंजॉय करेंगे, जैसे कि मिस्टर बहल और उनके फ्रेंड, और ये बेचारे जो है खाने से भी वंचित थे। और मिस्टर बहल की डिमांड आ गई थी, क्योंकि हमारे पास शॉप है एक हमारे नेबर में, उन्होंने बोला कि भैया पकोड़े खाते हैं, तो ये वाला मिश्रण थोड़ा सा अलग निकाल के रखा था हरित्वी के लिए, क्योंकि उसके लिए बिना मिर्च के बनेंगे, और ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है अभी अभी इनके लिए, कि चलो दोस्तों के साथ इनको खाना है तो अच्छे से हो जाएगा। संडे बारिश हो रही थी और इनके सुबह से ही टेंट्रम चल रहे थे, सुबह सुबह आज इन्होंने परांठे खाए, और मुझे इवन नहाने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि रात को किचन वगैरह जब मैंने अंडर सिंक झुक झुक के साफ़ किया ना, तो मुझे सर्वाइकल की दिक्कत दोबारा से हो गई। वैसे भी मेरा कैल्शियम और D3 कम हो जाता है, अबॉर्शन के बाद मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हुई है। हरित्वी के बर्थ पे मेरा सिजेरियन हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी समझ नहीं थी, बी फ्रैंक बोलूँ तो मुझे कुछ नहीं पता था, हाउ टू क्योर माई बॉडी, हाउ टू केयर माई बॉडी, मुझे कुछ नहीं पता था। उस वजह से भी मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। अबॉर्शन के वक्त बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि फैमिली को टाइम देना पड़ा, बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी था, उस वजह से मेरी बॉडी जो है वो बहुत वीक हो गई है। एक अबॉर्शन अकेला आपसे बच्चा ही नहीं छीनता, आपसे बहुत कुछ छीनता है, आपकी बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है मेंटली। मैं आपको बोलूँ तो इन दोनों मैंने आपके साथ व्लॉग भी 3-4 दिन बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेंटली बहुत बुझी हुई थी। मिस्टर बहल ने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ, उन्होंने मुझे इन 3-4 दिनों में, चाहे मैं बीमार थी, मुझे सर्वाइकल पीक लेवल की थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ उल्ट पुलट हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं अकेले खोला। मुझे बाबा जी के दर्शन गुरुद्वारे देखने बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने मुझे इन 3 दिनों में घुमाया भी, लेकिन वो चीज़ होती है ना जो आपके दिमाग में होता है वो आपको छोड़ नहीं पाता। और मैं बताऊँ तो जो मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी अबॉर्शन हुआ था, वो मेरी डिलीवरी डेट इन दिनों की थी, इस महीने की नहीं थी, वो अगस्त लास्ट की थी या सितंबर चढ़ते की थी, फर्स्ट वीक में मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो वो चीज़ ना मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी, दैट्स वाई मैं थोड़ी सी नहीं बहुत लो हो गई थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, देखिए पकौड़ियाँ कितनी अच्छी बनी है, कि मेरा BP कॉन्टिन्यूस लो रह रहा है। तो मेरा BP लो रहने का भी इशू यही था, कि मैं वही चीज़ सोचे जा रही थी कि अगर भगवान मेरे साथ वो मिसहैपनिंग ना करता
तो आज मेरी झोली में दो बच्चे होते, मैं तीन बच्चों की मम्मी बन गई होती, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होती, लेकिन भगवान के आगे नहीं चल पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। मैंने कोई रुजगार दे, ये देख सुन रही है गाने। हमने ना पिछले वीकेंड पे मूवी देखी थी माँ दा लाडला पंजाबी, तो ये वो अभी सॉन्ग सुन रही है। और बस आज है संडे और आज का दिन जो है बाप बेटी की फरमाइशों में ही गुजरा है, कभी इनको पकोड़े बना दो कभी इनको कुछ बना दो उसी में गुजरा है। तो पूरा दिन बारिश रही है, कल के कपड़े धोए हुए ना मैंने ऐसे पंखे के नीचे लगा दिए थे, अब देखती हूँ सूखे हैं कि नहीं, क्योंकि आज भी धोए हैं फिर उनको लगाऊंगी। शाम का टाइम मैं अब उठी हूँ डिनर के लिए, और सुबह पाया था बेटा। तो ये संडे शाम का वक्त था 5:30-6 होंगे। बारिश हटने के बाद ना तीखी सी धूप जो चमक वाली होती है ना वो निकल गई, और मैंने सुबह आज कपड़े नहीं धोए थे क्योंकि मुझे, मैं बताऊं तो टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि इनके फ्रेंड सर्कल में पकोड़े वगैरह देने थे तो वो फिर मुझे हाई क्वांटिटी में बनाने थे, फिर उसके बाद लंच बनाया, सुबह से बस इसी तरह से थक गई बहुत ज़्यादा। और फिर हरित्वी ने स्कूल भी जाना था तो उसकी भी तैयारी की, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मंडे को भी छुट्टी है, तो संडे तो हम कहीं जा नहीं पाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम मंडे गुरुद्वारा दर्शन के लिए जाएंगे, ताकि मेरे मन को जो है वो शांति मिल सके, क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत था। ये चीज़ मैंने अपने मम्मा के साथ भी नहीं शेयर की, अब भी मैं वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए कि आप कुछ ऐसे कमेंट आए जो इनमें मेरी बहुत भलाई थी कि आप इस तरह से छुट्टी ना लिया करो, हम आपको मिस करते हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या करूं, मतलब मन ही नहीं था, मन बहुत बुझा हुआ था, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मेरी बॉडी भी ऐसी हो गई है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ, अपने दम पे करती हूँ, मेरी बॉडी में इतनी जान नहीं है जितना मैं करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, मेरा दिमाग उधर ना जाए। पर जब भगवान कोई चीज़ आपको दे के छीन लेता है ना तो उसका सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, और इस टाइम पे भी मेरी आंखें भर गई हैं, लेकिन मेरी डिप्रेशन की दवाइयां ऐसी हैं ना जो मेरे इन इमोशंस को कंट्रोल करती हैं, और मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने आज मिस्टर बैल से बोला भी था कि मैं जी भर के रोना चाहती हूँ लेकिन मैं रो नहीं पाती हूँ, मेरे आंसू नहीं निकल रहे हैं, मन रो रहा है आंसू नहीं निकल रहे हैं, वो सारा दवाइयों की वजह से है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी हैं जो मेरे इमोशन को इतना कंट्रोल करती हैं कि मेरे सामने किसी बंदे को कुछ भी हो जाए मुझे रोना तो दूर, उसका दुख भी नहीं लगता, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ये रात का टाइम है तो अभी मिस्टर बहल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि मैं अपने इस दुख को भूल जाऊं, बाहर निकलूं। तो आज उन्होंने अपने लिए और अपने फ्रेंड के लिए नॉनवेज बनाया, हमारे घर में नॉनवेज 2 महीनों बाद बन रहा है, और फिर नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो नवरात्रि को नहीं बनेगा, तो उन्होंने सोचा कि आज जो है वो मैं बना लेता हूं। तो हांडी में बनाया, और वैसे भी ऐसा है कि हमारे घर में नवरात्रि पूजन तो नहीं होता, माता जी नहीं बिठाए जाते, लेकिन मैं कंजक पूजन जरूर करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें हो जाती हूँ कि बेटियों की तरफ झुकाव हो जाता है। तो उन्होंने हांडी में चिकन बनाया और उनको अच्छा लगा, मैं तो टोटली वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपने लिए और हरित्वी ने एक अलग डिश जो है वो बना ली, लेकिन अच्छा लगता है जब हस्बैंड थोड़े थोड़े ऐसे येस्टर करते हैं, तो मैंने उनको बोला आपका मन है तो खा लीजिए, मैं भाई किसी बंदे का मन क्यों रोकूं, क्योंकि 3 महीनों से उन्होंने कुछ भी ऐसा जो है वो बिल्कुल टच ही नहीं किया, खाया ही नहीं है, बनाया भी नहीं है। Hi guys, welcome back to Hrithvi Bahal and Mama Rocks. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, और आई एम रेडी। सुबह सुबह 8 बजे हैं सिर्फ, हम जा रहे हैं जय बाबा जी के दर्शन के लिए। आपको पता ही है, मतलब शेयर किया है मैंने, जब भी हृथ्वी के पापा आते हैं तो हमारा हर संडे प्लान होता है हम बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं, और हमेशा एक नए गुरुद्वारे में जाते हैं, थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस भी हो जाता है, जानने को मिलता है। और आई एम रेडी, मैं सिंपल सा रेडी हुई हूँ, लेकिन ना हेयर्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मेरी आज। मेरी ना सेंटर पार्टीशन होती है, और सिंदूर लगाती हूँ ना, वेरी गुड। हैंड वॉश कर लो बच्चा, और कपड़े मत गीले करना। तो ये एक सिंपल सा सूट है, ये वन ऑफ दैट सूट है जो मेरे पापा ने मुझे राखी पे बहुत सारे, मतलब 5-6 सूट गिफ्ट किए थे, और हर संडे वही डाल रही हूँ। और आज मैंने नोट किया कि हर सूट का जो मेन की पॉइंट होता है ना, कलर होता है जिसके साथ हम ज्वेलरी वगैरह सब मैच करते हैं, दैट इज तो लास्ट संडे, पिछला संडे जो था उस दिन बारिश बहुत थी, इसलिए हम जा नहीं पाए, और इस मंडे आज वाले दिन हरित्वी को छुट्टी है, दैट्स व्हाई हम जा रहे हैं जय बाबा करने, है ना। तो मैं आपको एक ओवरलुक दे देती हूँ सूट का, ये बहुत प्यारा सूट है मेरा। थैंक यू।
हाय वेलकम। ये देखिए इस तरह से है और ये चुन्नी पे जिस तरह से ऐसे बॉर्डर है ये वाला, वैसे इसके नीचे बॉर्डर है और साथ में प्लाजो है, बहुत ही प्यारा। और भाभी ने इस बार सूट इस तरह से बाजू बनाई है, ये फूल वाली। भाभी जो भी नई चीज सीखती है ना वो मेरे कपड़े पे ही सीखती है और भगवान की कृपा से ऑलमोस्ट सब कुछ सही होता है। 95% उनकी जो फर्स्ट ट्राई होती है वो सही होती है। तो मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ क्योंकि मिस्टर बहल अभी नहा रहे हैं। खोलना पानी परौंठी के बाद नहीं, आज रितु ने परौंठी खाई है अचार के साथ, फर्स्ट टाइम खाई है ना परौंठी अचार के साथ। जब मैं 5 ईयर्स का था तब भी खाई थी। ओके तो चलिए नेल पेंट लगा लेती हूँ मैं। और ये हम गए थे गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने, ये गढ़शंकर में जगह है खुरालगढ़ में, बहुत ही अच्छी पहाड़ियों के बीच है, व्यू बहुत अच्छा था, गुरुद्वारे में जाके बहुत शांति मिली। और गाइस कोशिश करूँगी कल से डेली व्लॉग करने की, मैंने शूट भी कुछ नहीं किया और बट अब थोड़ा होता है ना कि अब मैं अपनी स्ट्रेस को खुद ही हैंडल करती हूँ, मुझे टाइम चाहिए था तो मैंने टाइम लिया, ब्रेक चाहिए थी ब्रेक ली, जैसी भी थी वैसी ली। अब कोशिश करूंगी रेगुलर होने की। देखते रहें हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स, अपना प्यार इसी तरह से देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर।